अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जो आप देख रहे हैं, स्मृति ईरानी हिंदुस्तान के वज़ीर हैं और ये गए हैं मक्का मुकर्रमा घूमने, जैसे आप तस्वीरें देख सकते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अब ये गैर ईमान वाले यहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखो, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत में है, मस्जिद कुबा अभी अब आएगी, ये मदीना मुनव्वरा का है। और इसके बाद अब आप देखेंगे ये मस्जिद कुबा, पीछे मस्जिद कुबा बैकग्राउंड में फ़ोटो है और यहाँ ये लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये लोग वहाँ तक पहुँचे हुए हैं और ख़बर ऐसी है कि बहुत के पहाड़ पर भी गई हुई थी, बहुत पहाड़ पर जहाँ मुसलमान ने इतनी कुर्बानी दी, हज़रात सहाबा ने कुर्बानी दी, ये भाई वहाँ तक पहुँची हुई है। अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा दिन आ गए हैं। अब ये सब चीज़ जो है देखनी पड़ रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए तमाम ईमान वालों की, तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। इन मकामात पर जाना और ईमान वाला जो कि होना शर्त है, ईमान वाला होना चाहिए, उस अकीदत से जाए, उस मोहब्बत से जाए और वो हुजूर के दरबार में सलाम पेश करे। वो तो चीज़ वही करेगा जो ईमान वाला होता है, उसके दिल के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती है, अल्लाह ताला का खौफ होता है, डर होता है। ये सब वहाँ घूमने जा रहे हैं, ये वो जगह इनके लिए बनती नहीं है। ये दिलों के अंदर जो अकीदा चाहिए और जो मोहब्बत चाहिए, जो अल्लाह ताला का खौफ चाहिए, वो चीज़ें इनके दिलों के अंदर नहीं होती हैं। और जो अल्लाह ताला का खौफ है वो असल दरअसल चाहिए। वो घूमने जा रहे हैं, जैसे इनके लिए दुनिया की सारी इमारतें हैं, वैसे इनके लिए ही मक्का मदीना भी इनके लिए वही चीज़ है। वो कोई अलग नज़र से लोग नहीं देखते, हमारे लिए हमारा अकीदा है, हमारी रेड लाइन है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक वहाँ पर पड़े हैं, इसलिए हमारे लिए काबिल एहतराम है, मुकद्दस है।